नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना के दौरान तमाम तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा है। कोरोना का ट्रीटमेंट क्या, इलाज क्या, इसका न तो कोई वैक्सीन आया है, ना इस पर कोई अभी सही राय मेडिकली भी आ पाई है कि किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है। मेडिकली बचाव करने के तरीके ये है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहनिए और ज्यादा भीड़भाड़ की जगहों पर नहीं जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए और बार बार सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम वर्कआउट करके, योगा करके इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अपने खान पान की आदतों को भी नियंत्रित करके इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। तो हमने इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ पूर्वी वोरा जो है वो जानी मानी डाइटिशियन है। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सुनील जी। क्या लगता है इस कोरोना काल के दौरान, आप तो लगातार लोगों को मैं बरसों से देखता रहा हूँ कि आप बतौर एक डाइटिशियन कंसल्ट कर पा रही है, सब सेवाएं दे रही है उनको बतौर एक डाइटिशियन कंसल्टेंट, लेकिन इस समय लोगों ने कोरोना के दौरान आपसे इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर बातचीत की है? हाँ, काफी लोगों ने बातचीत की है इम्यूनिटी बढ़ाने के दौरान। तो मेरा मेन पर्पस क्या है इस बार कि लोगों को जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने का तो इम्पोर्टेंस थोड़ा बहुत पता चला है, बट इम्यूनिटी क्या है एक्चुअली, इम्यूनिटी कैसे प्राप्त की जाती है, वो एक दिन का काम नहीं है। इम्यूनिटी प्राप्त करना, उसके लिए लगातार परिश्रम करना पड़ता है। जैसे आप अपने बॉडी को नरिश करना है एवरी डे, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, सेलेनियम, जिंक, आयरन, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे ही इम्यूनिटी बिल्ड होती है। पर वो एक रातों रात नहीं होती है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, रोजाना एक रूटीन मेंटेन करना पड़ता है। कितनी सही बात कही है कि इम्यूनिटी ऐसे नहीं बढ़ती कोरोना के दौरान, अगर आप अपनी डाइट प्लान फॉलो कर लोगे तो उससे एक दिन में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी। आपने कहा विटामिन ए की बात कही, विटामिन सी की बात कही, विटामिन बी की बात कही, आपने जिंक की बात कही है। तो जब आपने इतनी सारी बातें कह दी है तो इन सबके जो हमारे पास मौजूद सप्लीमेंट है वो क्या क्या है, इसके बारे में भी जरूर बताइए। मैं ज्यादा सप्लीमेंट्स के बारे में, मैं तो नेचुरल फॉर्म में ज्यादा बिलीव करती हूं। नेचुरल नहीं बता दीजिए, नेचुरल में एक्चुअली क्या है, मैं बहुत एक सिंपल टर्म्स में लोगों को ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअल ये जो इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है एक्चुअली, है ना। वो जैसे हमारा बॉडी है वो एक प्लेग्राउंड है, जैसे हम कोई फुटबॉल मैच खेलते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो उसमें सारे प्लेयर्स को हेल्दी रहना बहुत जरूरी है और सारे प्लेयर्स को मौजूद रहना भी बहुत जरूरी है। अगर एक भी प्लेयर मौजूद नहीं है तो वो मैच नहीं हो पाएगा, राइट। तो उसी तरह से जैसे विटामिन ए है, उसका रोल ये है कि वो एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ा रहता है अपने बॉडी मैकेनिज्म, मींस जो भी इम्यूनिटी, मींस बाहर से टॉक्सिन्स जो भी आते हैं उसको अंदर आने नहीं देता बॉडी में। प्रोटीन्स का अपना ही एक गुण है, वो एक टीम लीडर है, जैसे वो अपने टीम को बिल्ड करता है। जैसे प्रोटीन क्या होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ना, वो अपने जो इम्यूनिटी को, एक्चुअल इम्यून सिस्टम के लिए प्रोटीन्स बहुत यूजफुल होता है और अपने इंडियन डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा काफी कम होती है, तो उसको लगातार प्रोटीन का यूज करना बहुत जरूरी है। फिर जैसे प्रोटीन्स अपने वेजिटेरियन डाइट में जैसे अपन दाल है, अपना ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, दही है, वो सब यूज में ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन में तो फ्रेश चिकन, एग्स वगैरह रहता है। और विटामिन ए जो है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये सुरक्षा कवच का काम करता है, वो अपने को काफी मात्रा में दूध है, अपना पम्पकिन है, गाजर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, दही है, उसमें यूज, मींस उसमें होता है, वो गुड सोर्स है विटामिन ए का, राइट। अब रही बात विटामिन सी की, जैसे विटामिन सी और ई, जिंक, सेलेनियम, आयरन, ये सब क्या है कि जब गेम ओवर होता है, कोई भी फुटबॉल मैच या कोई भी क्रिकेट मैच में जो भी गेम खत्म होता है, तो कैसे सब कचरा होता है जो पड़ा रहता है गेम के बाद, जैसे हमारे बॉडी में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स पड़े रहते हैं, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स है वो उसका सफाया करता है ना, और उससे अपनी वापस रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। मीन्स एक एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है, वो जो ऑक्सीडेशन से
फ्री रेडिकल्स अपने बॉडी में आ जाते हैं, जैसे टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं वो निकाल देते हैं, है ना। और डी विटामिन्स है वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जैसे कोई भी दर्शक है ना, आप जो मैच देखने आए हैं वो फील्ड पे ना उतर आए, सेम जैसे विटामिन ए करता है ना, एक रक्षा कवच के जैसे बी विटामिन्स भी काम करते हैं। तो बी विटामिन्स भी मिलते हैं जैसे नट्स एंड ऑयल सीड है, दूध है, अनाज है, दही है, वो सब में बी विटामिन्स भी मिलते हैं। आपने काफी अच्छी और उम्दा जानकारियां दी है। अब हम अगर इंदौर के संदर्भ में बात करें तो यहाँ के लोगों को पोहे, कचौरी, समोसा, इसके बिना तो दिन नहीं निकलता है। तो इनमें से क्या पोहे को आप थोड़ा सा हेल्दी डाइट या न्यूट्रिशन डाइट के तौर पर मानते हैं? पोहा अकेले हम हेल्दी नहीं मान सकते, उसके उसमें थोड़ा सा जैसे वो एक अनाज है, मीन्स कम्प्लीट प्रोटीन नहीं है वो, उसमें एक अमाइनो एसिड की कमी रहती है, तो उसके साथ कोई भी स्प्राउट्स या तो ऐड करके तो आप उसको हेल्दी बना सकते हैं और टेस्टी भी बना सकते हैं ताकि कंप्लीट प्रोटीन बन जाए। ऑयली फूड को लेकर क्या कहते हैं, क्या लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए अगर इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो? हाँ, ऑयली फूड तो नेचुरली बहुत, इसमें कोई भी चीज लेना तो नेचुरली अपने बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, कोई भी चीज मॉडरेशन में लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ऑयल भी अपने बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रीसिंग के लिए, बहुत सारे अपने बफरिंग एजेंट है अपने ऑर्गन्स के लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल जैसा काम करते हैं, तो मॉडरेशन में कोई भी चीज हानिकारक नहीं रहती है। हाँ, एक्सेस में कुछ भी हो तो प्रॉब्लम करता है बॉडी में। अगर हम कैलोरी के तौर पर काउंट करने की बात करें और कैलोरी के किसी एक चार्ट के बारे में बात करें, तो आम तौर पर कितनी कैलोरी हमें प्रतिदिन आवश्यक होती है, उसको लेकर कुछ बताएंगे? कैलोरी एक्चुअली क्या है, डिपेंड करता है मेल फीमेल, एज ग्रुप, उनकी एक्टिविटीज क्या है, लाइफस्टाइल क्या है ना, वो सारी चीजों पे उनका जो पूरा क्या बोलते हैं, उनका रूटीन क्या है, उसके हिसाब से पूरा कैलोरीज तय होता है। यानी कि जब वो आपसे आकर मिले उसके बाद आप उसका कैलोरी का, उसका वर्कआउट या उसकी डेली रूटीन के हिसाब से उसका चार्ट बनाकर उसको दे पाते हैं। हाँ, क्या क्या लगता है, एक नॉर्मल अगर हम युवा की बात करें जो कॉलेज गोइंग युवा होता है, वर्कआउट भी खूब करता है और अपना बाकी काम भी बहुत सारे, दिन भर घूमने फिरने के भी करता है, पढ़ाई पर भी ध्यान देता है, तो स्थिति में उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या डाइट प्लान होना चाहिए? जैसे कॉलेज में पढ़ता है तो उसको नेचुरली ग्रोइंग एज भी है, एट द सेम टाइम उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी अच्छा होना चाहिए, बच्चा है इसीलिए, तो उनको बैलेंस डाइट यानी उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होना इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, और एट द सेम टाइम अच्छी नींद लेना, अच्छा हाइजीन मेंटेन करना, ये सारी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, और एट द सेम टाइम फिजिकल एक्टिविटी, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए आहार और एट द सेम टाइम मेडिटेशन, योगा भी बहुत जरूरी रहता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पॉजिटिविटी भी होना चाहिए। एक कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर डाइट फॉलो करता है, प्रॉपर सोता है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो पाएगी? उसकी इम्यूनिटी बूस्ट नेचुरली होएगी अगर वो मेंटल हाइजीन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, अगर उसका आहार प्रॉपर है, अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो नेचुरली ही मेंटल हाइजीन एंड मेडिटेशन प्राणायाम। लगातार कोरोना में लोगों को खाने पीने की अगर हम बात करें तो लोगों ने घर में रहकर भी बहुत सारे व्यंजन बनाकर खाए हैं, लेकिन उसके मुकाबले वर्कआउट नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है उन लोगों को, अब जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, हम अनलॉक फेज 2 में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें वर्कआउट की तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए? हाँ, वर्कआउट ऐसा जरूरी नहीं है कि घर के बाहर या जिम्स वगैरह में ही करना चाहिए, आप घर पे भी फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर पे कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, अपने एब्स की एक्सरसाइज है, और खाने पीने में ऑयल, घी, नमक और शक्कर की मात्रा थोड़ी कम ली जाए तो पॉसिबल है, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, एट द सेम टाइम उनका वेट भी नहीं बढ़ेगा। पूर्वी जी, कई बार ऐसा देखने में आता है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने खान पान को लेकर जागरूक नहीं होती,
सुबह से वे अपना किचन में काम स्टार्ट करती हैं, फिर जब किचन से फ्री होती हैं तो तैयार होना, नहाना, उसके बाद फिर वे खाने पर ध्यान देती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? नेगेटिव इम्पैक्ट तो महिलाओं में नेचुरली आता है, उनको तो सबसे पहले एजुकेट करने की बहुत जरूरत है कि पहले खुद का ध्यान रखोगे तो परिवार का ध्यान रख पाओगे, सबसे पहले तो वही इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले उनको एजुकेट करना न्यूट्रिशन के रिलेटेड भी, और एट द सेम टाइम उनका माइंड स्थिर रहे। उनको यूजुअली स्ट्रेस रहता है, परिवार के लिए बहुत ही उनको मीन्स एक जिम्मेदारी रहती है, तो उनका जो वो लेवल है स्ट्रेस का वो बहुत अधिक होता है, उसके वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। तो उनको भी खान पान का पहले प्रॉपर खाने का जो तरीका है उनको पहले सीखना है, ताकि वो अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सके। अभी अगर हम देखें तो आम आदमी जो है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, खाने पीने की आदतों में कैसे बदलाव करूं और किस तरह का मील लूं। तो आपको अगर हमें नॉर्मल डाइट की बात करें, बैलेंस डाइट की बात करें, तो रूटीन क्या होना चाहिए आदमी को? सुबह उठकर कुछ लोग ऐसा होता है कि 10 बजे खाना खा लेते हैं, फिर शाम को 6 बजे खाना खाता है, कुछ लोग सुबह नाश्ता करते हैं, दिन में लंच करते हैं, फिर 4 बजे के आसपास कुछ हल्का नाश्ता लेते हैं और रात को 9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं। तो इन दोनों में से किसको बेहतर मानते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि दिन में एटलीस्ट 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, जिससे एनर्जी कंटिन्यूस थोड़ी थोड़ी अपने बॉडी में जाए। और उससे क्या होता है कि हम एक साथ जो बहुत ज्यादा भूख लगती है और हम एक साथ खाना बहुत सारा खा लेते हैं, उस खाने से हम बच सकते हैं ना। तो सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट के पहले थोड़ा सा, जैसे हम बोलते हैं कि हम पूरी रात का जो फास्ट तोड़ते हैं उसी को हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो ब्रेकफास्ट खाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो उठने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर खाना चाहिए, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मीन्स हर मील में 3 से 4 घंटे का एक गैप होना चाहिए, ताकि अपने बॉडी में एसिड लेवल भी नहीं बढ़े, एसिडिटी के कारण भी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। और दूसरा ये है कि एकदम से अगर आप सिर्फ 2 मील या 3 मील खाओगे तो आपको भूख भी बहुत ज्यादा लगेगी, और एक साथ आप बहुत ज्यादा खाओगे और आप फिर वेट आपका बढ़ जाएगा। मीन्स आपके पास पोर्शन, अभी पोर्शन कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंस है। कितनी सही बात कही है, मैं लगातार इस तरह से देखता रहता हूँ कि लोगों का एक बैलेंस डाइट स्टाइल होता है, खाने का एक शेड्यूल होता है कि हम सुबह 10 बजे खाना खाते हैं, शाम को 6 बजे खा लेते हैं, उसके बाद न सुबह कुछ खाते हैं न रात को कुछ खाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो डाइटिशियन पूरी वोरा जी आपको सलाह दे रही है उसको फॉलो कीजिए। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को बैलेंस करने में, आपकी डाइट को बैलेंस करने में। और महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जो घर के काम करती हैं। वही पूर्वी वोरा जी ने कहा है कि जो अगर वे अपने आप को स्वस्थ रख पाएगी तो परिवार को स्वस्थ रख पाएगी, अपना भी ध्यान रख पाएगी और परिवार का भी ध्यान रख पाएगी। बहरहाल बहुत सारी अच्छी और उम्दा जानकारियां पूर्वी जी आपने दी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, सुनील जोशी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।